खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा बुलंद करने वाले स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती 23 जनवरी शनिवार को नेताजी सुभाष मंच इंदौर मध्य प्रदेश तत्वाधान में अप्सरा होटल रविन्द्रनाथ के गृह में शनिवार को बनाया गया, जिसमें समारोह के मुख्य अतिथि सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में पूर्व महाधिवक्ता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री आनंद मोहन माथुर, विशेष अतिथि शहर काजी डॉक्टर इशरत अली, वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री अर्चना जायसवाल थी। मंच के प्रदेश अध्यक्ष मदन परमालिया ने बताया कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने उनकी 125वीं जयंती पर अतुल्य योगदान को याद दिलाने के लिए इस दिवस को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। राजपत्र में घोषणा करते हुए कहा गया है कि नेताजी की अदम्य भावना और राष्ट्र के लिए नेताजी की निस्वार्थ भाव के लिए निर्णय लिया गया है। इससे देश और विदेशों में उनके योगदान का सत्कार होगा। देश के लोग, खासकर युवाओं को किसी भी विपत्ति में नेताजी के जीवन से प्रेरणा मिलेगी और उनमें देशभक्ति और साहस की भावना आएगी। संस्था गत 24 वर्षों से कई विभूतियों को सम्मानित करते हुए आई है। इस वर्ष भी नेताजी सुभाष अलंकरण से 5 विभूतियों को सम्मानित कर अपना 25वां वर्ष पूर्ण करेगी, जिनमें समाज सेवी एवं माउथ हारमोनियम में गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजे गए डॉक्टर राजविंदर सिंह मखानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी ईश्वर झामनानी, शिक्षा एवं समाज सेवा के लिए रमेश चंद्र केतवास, समाज सेवी रमेश चंद्र दरगया, जीव जंतुओं की सेवा में दिन रात लगे रहने वाले आनंद यादव को अलंकरण से नवाजा जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय देशभक्ति गीत गायक जनाब आफताब आलम कुरैशी द्वारा गीतों की प्रस्तुति दी। इधर जनाब, अपन इधर बात करेंगे, मैं अंदर आ रहा हूँ। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया था, समाज के विशिष्ट लोगों ने समाज में विशेष काम किया उनका सम्मान था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस प्रकार देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए, अब समय आ गया है कि हम देश को आगे ले जाने के लिए सब मिल के काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पराक्रम दिवस के रूप में इसे आयोजन करने का कहा है। हम सब मिलके इंदौर में आज बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं पराक्रम दिवस को लेकर, और उसी के अंतर्गत ये आज कार्यक्रम भी था। तांडव को लेकर जिस प्रकार से देवी देवताओं पर जिस प्रकार टिप्पणी की गई, बहुत ही निंदनीय है, और हमने कहा है, सरकार ने नोटिस भी दिया है और उन्होंने कहा है इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। नेताजी सुभाष की 125वीं जयंती पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है, लेकिन हम विगत 25 वर्षों से लगातार नेताजी सुभाष को समर्पित होकर और उनके किए गए कार्यों को चलकर हम लगातार ये काम कर रहे हैं। आज नेताजी सुभाष की 125वीं जयंती पर हमने 5 जो हमारे शहर के विकास, देश के विकास में जिनका योगदान है, ऐसी विभूतियों को आज यहाँ पर सम्मान किया है, जिसमें बच्चों के डॉक्टर राजविंदर सिंह और स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी डॉक्टर ईश्वर झामनानी जी, रमेश चंद जी केथवा साहब, रमेश चंद जी दरगैया जी और आनंद यादव जी को सम्मान करके आज उनके प्रति हमने कृतज्ञता ज्ञापित की है। मदन परमालिया, अध्यक्ष नेताजी सुभाष मंच।